मेहदेवा के हलवाई की सर्पदंश से मौत, परिवार में मचा कोहराम। शिवपुरी जिले की छठ थाना क्षेत्र के मेहदेवा गांव में मंगलवार की सुबह एक हलवाई की सर्पदंश से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हलवाई को घर पर ही किसी जहरीले सांप ने काट लिया था, जिसके बाद परिजन हलवाई को इलाज के लिए जिला अस्पताल शिवपुरी लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। सर्पदंश से हलवाई की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। मृतक के परिजनों का अस्पताल परिसर में ही रोना पीटना शुरू हो गया। युवक की मौत की सूचना अस्पताल चौकी पुलिस को दी गई, जिस पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर विवेचना शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार उदय सिंह कुशवाहा, उम्र 32 वर्ष, निवासी मेहदेवा थाना छर्च, मंगलवार की सुबह फ्रेश होने के बाद घर पर राख से हाथ धो रहा था, तभी कच्ची दीवार में से निकलकर एक सर्प ने उदय सिंह को काट लिया, जिसके बाद उदय सिंह को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, लेकिन उदय सिंह ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। जिला अस्पताल में डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर से मृतक के परिवारजनों में मातम पसर गया। उदय सिंह कुशवा। उदय सिंह कुशवा क्या करता था? किसानी। किसानी करता था, हलवाई गिरी भी करता था। हाँ, कहाँ का रहने वाला? मेहदेवा का। कहाँ पड़ता? थाना छाट से, तहसील पोहरी। क्या घटना हो गई? सांप ने काट लिया। कब? मृत्यु हो गई सांप ने। कब काट लिया? आज सुबह ही। सुबह ही क्या कर रहा था? प्रेस होने गया था, प्रेस होने लोटा माए रहा था, राख ली दीवार में से निकल के काट लिया। घर पे ही। अच्छा, कितने बच्चे हैं इसके? इसके दो बच्चे हैं। उनके पिता का नाम? सिया कुशवा। सिया कुशवा। उम्र कितनी होगी इसकी? इसकी होगी 30-32 साल। 30-32 साल। आप कौन हो इनके? मैं गांव का हूँ, पूरन प्रजापति मेरा नाम है। अच्छा, पड़ोसी हो जी? तुम लेके आए? हाँ। आपके पीएम करा रही है जी?